अभी अगर आप ये सोच रहे होगे कि मैं डेडलिफ्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, बैक वर्कआउट करते टाइम यूजुअली मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आ रही जैसी आनी चाहिए, तो अभी हम अपने असली रूप में आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं थोड़ा नर्वस था इसलिए मैंने हैवी ट्रेनिंग किया नहीं, एंड ऑल्सो ये मेरा था पहला एक्सपीरियंस ब्लॉग शूट करने का। एंड हे गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज आकाश गुप्ता, वेलकम टू माय चैनल, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल जिमोलिक स्काई। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग दैट आई एम रिकॉर्डिंग। आई एम लिटिल बिट नर्वस जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने आज तक कभी ब्लॉग शूट नहीं किया है, सो थोड़ा सा नर्वसनेस है, बट ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम मास्टर कर लेंगे इसमें भी। आपको कुछ पूछना रहा वर्कआउट के बारे में, डाइट के बारे में, हेल्थ फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, वॉट एवर, आप मुझसे बिंदास मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। तो मैं अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम एक तो यहाँ या तो फिर यहाँ ऐड कर दूंगा, और नीचे मेरा लिंक भी ऐड कर दूंगा इंस्टाग्राम का, जाके एक बार चेक कर लेना, और हो सके तो फॉलो भी कर लेना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। बट अभी ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड एक्टिव रहना पड़ेगा, एंड आप मुझे DM कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। आज है मंडे, आज हम करने वाले हैं पुल वर्कआउट, जिसमें आता है बैक, बाइसेप एंड रियर डेड। अभी 4 बज रहे हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ, और वरना फिर 5 बजे से जिम में रश चालू हो जाएगा और मैं व्लॉग सही तरीके से शूट नहीं कर पाऊंगा। अभी चलती है जिम फट से, चलो बाय। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यहाँ ऊपर है हमारा जिम, अभी हम जिम पहुंच गए जस्ट। आज हम करने वाले हैं पुल वर्कआउट। मैंने पुल वर्कआउट की डिटेल्स यहाँ स्क्रीन पे ऐड कर दी है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप भी फॉलो कर सकते हो ये वर्कआउट। अपना वर्कआउट स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले फोम रोलिंग करता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है और आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार आपके बैक से तो एक बार आप आपके बैक पे से ऐसा रोलर घुमा लो, आपकी बैक एकदम रिलैक्स फील होगी। थोड़ा नेक, इससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, जो कि आपको ड्यूरिंग वर्कआउट बहुत हेल्पफुल रहेगा। वैसे मैं तो आज बहुत एकदम बेटर फील कर रहा हूँ। ओके, सो पुल वर्कआउट स्टार्ट करने के पहले मैं डायनेमिक स्ट्रेचिंग करता हूँ, हैंड रोटेशन क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, पहले राइट हैंड से, उसके बाद लेफ्ट हैंड से, और थोड़ा बहुत ये, थोड़ा नेक रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बोथ अप डाउन, राइट लेफ्ट। अब सीधा निकलते हैं वर्कआउट के लिए, चलो। बैक वर्कआउट करते टाइम यूजुअली मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आ रही जैसी आनी चाहिए, तो अभी हम अपने असली रूप में आएंगे। Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. अभी हम करने वाले हैं रैक पुल। Hoping one day I blow up from the basement statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. Some loose shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight. मैं अभी डेडलिफ्ट बहुत कम मारता हूँ, एंड एक तो मैं मारूंगा बैक एक्सटेंशन या तो फिर रैक पुल। ये दो मेरी बेस्ट एक्सरसाइज है लोअर बैक को हिट करने के लिए। अभी करेंगे अपन सेकंड सेट। वन, टू, थ्री, 9। अभी अगर आप ये सोच रहे होगे कि मैं डेडलिफ्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो उसमें लोअर बैक के साथ साथ हैमस्ट्रिंग वगैरह भी ट्रेन होती है।
सो मैं नहीं चाहता कि अपने हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करूँ, इसलिए मैं रैक पुल में मतलब ज़्यादा बेटर फील करता हूँ अपने लोअर बैक को। सो इसलिए मैं एक तो बैक एक्सटेंशन करूँगा या तो फिर रैक पुल। सेकेंड सेट हम कर रहे हैं लैट पुल डाउन। वेट लूँगा मैं 50 kg। चलो देखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो सीट एडजस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू योर हाइट सेट कर लो, डायरेक्ट जाके नहीं बैठना आपको, ठीक है? ओके लेट्स स्टार्ट। Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, 'cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. थर्ड सेट हम करेंगे सीटेड रो, जिसमें अगेन मैं लूँगा फर्स्ट सेट विथ 57 kg। अकॉर्डिंग टू योर हैंड लेंथ इसको सेट कर लेना, जैसे कि ये भी फुल मैक्स पे। मेरा जो मोमेंट है वो आता है 7 पे, आपका चेंज हो सकता है। Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. अभी करेंगे थर्ड सेट। फर्स्ट सेट क्या था 57, सेकंड क्या था 66, अभी थर्ड करेंगे 75 से। 75 kg मीन्स 165 lbs। ओके एज पर मी 7 to 8 reps, 7 to 8 reps आ जाने चाहिए। 1, 2, 6 फेलियर 7। अभी करेंगे वेट ड्रॉप 75 से 43। हाँ, सेट होने के बाद मैं हमेशा लास्ट सेट होने के बाद हमेशा ड्रॉप सेट मारता हूँ, बेटर और ब्लड को बढ़ाने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रैक। हाँ ओके, सो अगर आपको मेरा ओवरऑल वर्कआउट बताओ पुल का, फर्स्ट सेट हमने स्टार्ट किया रैक पुल से, सेकंड सेट लिया हमने लैट पुल डाउन, थर्ड सेट लिया सीटेड रो, और अभी फोर्थ सेट लेंगे हम डंबल श्रग। अगर आपको ओवरऑल बैक की अगर मैं बात बताऊँ तो सिर्फ और सिर्फ दो मोमेंट होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये दो मोमेंट बैक ट्रेन करने के लिए बस दो ही मोमेंट होती है, आपको सिर्फ दो ही मोमेंट करना है, दैट्स इट। आपकी बैक कंप्लीट ट्रेन हो जाएंगी ये इस दो मोमेंट में। फोर्थ सेट करने वाले हैं हम डंबल श्रग। चलो डंबल लेके आते हैं 25 kg का। अभी करेंगे हम फिफ्थ सेट जो कि है रिवर्स पैक डेक्लाय, हमारे करता है टारगेट रेयर डेल को, इस मसल को जो कि आता है शोल्डर में, लेकिन हम ट्रेन करते हैं इसे बैक में क्योंकि ये पुल मसल है और हम कर रहे हैं पुल वर्कआउट।
like a roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always... अगर मैं bicep की बात करूँ, तो bicep एक छोटा मसल है, जिसकी मैं सिर्फ और सिर्फ करता हूँ दो एक्सरसाइज, बाइसेप और ट्राइसेप की दो एक्सरसाइज, मोर देन इनफ है। तो अभी बाइसेप में मैं करने वाला हूँ इंक्लाइन डंबल कर्ल और साथ में हैमर कर्ल, दो एक्सरसाइज मोर देन इनफ है। बाइसेप का फर्स्ट सेट करेंगे हम इंक्लाइन डंबल कर्ल, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगती है एक्सरसाइज फॉर योर बाइसेप एंड यहाँ पर आपको करना क्या है, आपका जो अपर आर्म्स है उसको रखना है फिक्स, और जो लोअर जॉइंट है आपका, आई मीन आपका एल्बो जॉइंट, बस उसको ही मूव करना है। ये ऐसा पूरा स्विंग नहीं करना है, ऐसा स्विंग नहीं करना है, बस ऐसे ये पोजीशन फिक्स रखना है। Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Oh, up, three. Ha, nahi jayega bhai. सेकेंड सेट विल स्टार्ट विथ 12.5 kg से। मैं हैमर कर्ल के सिर्फ दो सेट मारता हूँ। I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. You cannot save me. ओके, सो ओवरऑल देखें तो बाइसेप के दो हो गए हमारे, इंक्लाइन डंबल कर्ल एंड सेकेंड सेट हैमर कर्ल भी हो गए। अभी हम शिफ्ट करेंगे फोर आर्म्स पे, अभी करते हैं फोर आर्म ट्रेन, जो कि पहली रहेंगी सुपाइन ग्रिप वन इमीजिएटली आफ्टर, इसके बाद करेंगे हम प्रोन ग्रिप ऐसे वन टू थ्री वन टू थ्री फोर, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल ग्रिप। एक तो आप इसको ऐसे ट्रेन कर सकते हो ऐसे, बट यूजुअली मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ, मैं ऐसे डंबल को यहाँ रखता हूँ और ऐसे ट्रेन करता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको क्या करना है, डंबल यहाँ ना पकड़ते हुए सबसे नीचे पकड़ना है, यहाँ पे सबसे नीचे की ग्रिप यहाँ पे, तो उससे क्या होगा आपका जो वेट है ऊपर की तरफ है। आप जब यहाँ मूव कर रहे हो तो वेट वो साइड मूव कर रहा है, आप जब यहाँ मूव कर रहे हो तो वेट ये साइड मूव कर रहा है, तो आपको ग्रिप सेंटर में ना पकड़ते हुए नीचे की ओर पकड़ना है ऐसे। फिर से बता रहा हूँ ऐसे करता हूँ मैं सर्किट ट्रेनिंग अपने फोर आर्म्स के लिए, दो ठीक है, दो सर्किट ट्रेनिंग ठीक है विद द सेम वेट, मैं सेम वेट ही फॉलो करता हूँ। ऐसे कंप्लीट फोर सेट्स हैं जो आपको बैक टू बैक करना है, आपका ये ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हुआ न्यूट्रल ग्रिप, न्यूट्रल ग्रिप ख़त्म हुआ रोटेशन। कैसा था पंप,
आई होप अच्छा ही होगा। अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो इस वर्कआउट को मैं दूंगा 10 out of 8। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मैं थोड़ा नर्वस था इसलिए मैंने हैवी ट्रेनिंग किया नहीं, एंड ऑल्सो ये मेरा था पहला एक्सपीरियंस ब्लॉग शूट करने का, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा ही किया होगा मैंने, आई होप सो। एंड आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए। एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ मुझसे इस ब्लॉग के रिगार्डिंग आपने जो भी कुछ सीखा, एंड अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझी तो प्लीज़ फील फ्री टू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू गाइस। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं लिंक नीचे ऐड कर दूंगा, एंड मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम यहाँ या फिर यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ रिगार्डिंग हेल्थ फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। अगर आपके मन में कुछ सवाल है इस वर्कआउट को लेके, फील फ्री टू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। मैं ईच एंड एवरी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ईच एंड एवरी मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, फिर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो डजेंट मैटर फॉर मी, मैं रिप्लाई सबको देता हूँ। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है, या फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचना। एंड अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो एक कमेंट छोड़ दो। इस व्लॉग को मैं यही पे एंड करता हूँ, एंड आई होप आप बहुत कुछ सीखे होंगे इस व्लॉग से। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।